सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया आप सभी को। तो आप सभी को करना है कि आप लोगों को जाना है पहले ऐड फोटो में, एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करके इसको ऐड कर देना है। देन उसके बाद आपको जो यहाँ पर कुछ स्टेप्स इस तरीके से रखना है आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन करके, ठीक है, मतलब हाइट वगैरह जो आप देख लेना। फिर उसके बाद गाइस इस टाइप से रख देना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, आप सभी को जो यहाँ पर सिंपली इसको जो फोटो को आप यहाँ पर डन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा साइड को रख लेते हैं। अब यहाँ पे गाइस हम इसको डन कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि यार नीचे तो एक PNG है यार, उसको आपने मतलब वहाँ से डन कर दिया, उसे रिमूव नहीं किया, तो उसकी टेंशन मतलब यार वहाँ के लिए मैंने एक PNG बना रखा आप सभी के लिए। तो ऐड फोटो में जाना आप सभी को, ये जो PNG आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर सिंपली फुल स्क्रीन कर देना है, जहाँ पर वो PNG रखा है वहीं पर सिंपली ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से ऐड कर लेना। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में, दोबारा ऐड फोटो में जाना है। एंड उसके बाद ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ से जो है कार 98 जो है हमारी जो मतलब की जो स्किन है इसकी, इसको आपको सिंपली ऐड करना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को कुछ स्टेप से जो यहाँ पे आपको अपने फ्रंट में कुछ इस तरीके से रख देना है, ठीक है। पोज वगैरह का सब देख लेना आपको जैसा आप चाहो, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्रंट पे होना चाहिए बस ये PNG, ठीक है। इस तरीके से रख के एंड डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर एक बार ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को जो है एक PNG ऐड करना है, जो कि मतलब कि यहाँ पे लाइट का होगा, ठीक है। तो उसको हम ऐड करते हैं, पहले फिर मैं बताता हूँ आपको उसको करना क्या है। आपको उसको ऐड करना है, ठीक है। एंड इसमें जो है ना कुछ चेंजेस करने हैं आपको, मतलब इसको ऐसे नहीं लगाना है। तो क्या करना है पहले मैं बताता हूँ आपको, पहले ब्लेंड मोड इसका स्क्रीन कर लेना है, देन आपको एडजस्ट में जाना है, सैचुरेशन में जाना है, एंड बिल्कुल माइनस कर देना है, फिर उसका डन कर देना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे गन जो है जिसके पास जो है यहाँ पे बीच में आपको इस तरीके से ऐड करना है इसको, यहाँ पे इस तरीके से स्क्रीन साइज को बढ़ा करके, फिर इसका डुप्लीकेट बना के आपको इस साइड में भी रख देना है इस तरीके से गाइस, ठीक है। फिर इतना हो जाएगा। एंड इतना हो जाने के बाद आपको जो अपनी फोटो यहाँ पर डन कर देना है। एंड इतना हो जाने के बाद जो आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को जो है यहाँ पे अब अपनी फोटो को जो यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पिक्सार्ट का काम खत्म हो जाता है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। इसको लेकर चलते हैं लाइटरूम ऐप में। अब गाइस देखिए इसको लाइटरूम ऐप में ऐड कर लिया हमने। तो अब क्या करना है, आप सभी को पहले जाना है ऐसे लाइट वाले ऑप्शन में। लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आपको जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइस, पहले इसको इंक्रीज़ कर देना है। हाईलाइट जो है इसको यहाँ पे जो आपको इसको भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो शेडो है इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेना है, नहीं इंक्रीज़ नहीं माइनस रखना गाइस, ठीक है, क्योंकि कोई डार्कनेस है नहीं फोटो में ज़्यादा इतने। तो वाइट को बढ़ा देंगे, ब्लैक को भी थोड़ा कम कर देंगे यहाँ पे हम। फिर उसका ध्यान से हम जाएंगे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद यहाँ से हम वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, और चाहो तो टेम्परेचर भी कम कर सकते हो, ठीक है। ब्लू कलर हाई फोटो में तो कर सकते हैं। फिर जाएंगे मिक्स में, ऑरेंज कलर लेंगे, यहाँ पे इसका ल्यूमिनस बढ़ा देंगे, एंड उसके बाद जो थोड़ा सैचुरेशन कम कर लेते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि अगर येलो कलर तो है नहीं फोटो में, बट फिर भी हम इसका ह्यू माइनस की तरफ रखते हैं, ताकि थोड़ा सा ग्रीन कलर जो मतलब गन में है, तो रेड कलर का ह्यू माइनस करेंगे, सैचुरेशन प्लस कर देंगे। एंड उसके बाद जो है ग्रीन कलर जो है उसका सैचुरेशन हम माइनस रखेंगे। एंड गाइस जो डार्क ब्लू है, अब इसका जो ह्यू है ना थोड़ा मतलब सैचुरेशन जो है ना इसको हम इंक्रीज़ करेंगे, एंड जो ह्यू है इसको भी प्लस की तरफ रखेंगे। अब देखिए गाइस यहाँ पे जो हमारी मतलब कि जो मतलब कि यहाँ से नीचे वाले टूल में लेके चलते हैं, पहले यहाँ पे विग्नेट वगैरह डाल के दिखाता हूँ आपको पूरी फोटो एडिटिंग। तो यहाँ से तो हमारी क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देंगे हम यहाँ पे, एंड उसके बाद जो विग्नेट है वो डाल देंगे थोड़ा सा, और फिर जो नीचे है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन अमाउंट मिलेगा इसको बढ़ा देना है। एंड जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ करनी है, फोटो में जो नोट रोक्शन है उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रोक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली जो फोटो एडिटिंग है वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड कैसे अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर करना। बाकी चलिए कैसे मिलता हूँ किसी ने वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।